पंकज जी, की तरफ देखकर बोलते हैं अरे बेटा तुम्हारी माँ ये कह रही है कि तुमने अज्जू की शादी के लिए क्या सोचा है आजीविका ये बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है और उसके दिल के धड़कने तेज चलने लगती है उसने अपनी नजर उठाकर जीवन की तरफ देखा वही जीवन अपनी आईब्रो उठाते हुए उसे छेड़ रहा था अर्नव उनको देखते हुए कहता है अभी शादी की क्या ज़रूरत है अभी तो ये बच्ची है और पढ़ाई कर रही है जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी का मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी शादी की नहीं बोल रहे हैं लेकिन इंगेजमेंट के बारे में तो तुमने सोचा ही होगा कौशल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है अर्नब अपनी नजरें घूमकर सभी के चेहरों को देखने लगता है उसने आन्या के चेहरे को देखा जो भी अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाकर, गर्दन पर हाथ रखकर उसे देख रही थी अर्नब सभी के चेहरे को देखते हुए कहता है मैंने फिलहाल किसी की शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और ना एंगेजमेंट के बारे में सोचा है और अभी लड़का कहाँ है हमने लड़का भी तो नहीं ढूंढा बिना लड़के के शादी कैसे हो सकती है अर्नव की बात सुनकर कौशल्या जी हंसते हुए कहते हैं लड़का तुम्हारे सामने बैठा है और तुम पूछ रहे हो कि लड़का नहीं है अर्नब हैरानी से अपनी माँ की शक्ल को देखते हुए कहता है, कौन लड़का किसकी बात कर रही हो मौम आप? तभी कौशल्या जी जीवन की तरह देखते हुए कहती है मैं आजीविका और जीवन के रिश्ते की बात कर रही हूँ इतनी देर तुझे ये भी समझ नहीं आया आन्या आजीविका के कंधे पर अपना कंधा मारती है वही जीवन मुस्कुराते हुए आजीविका को देख रहा था लेकिन अर्नब जिसने यह बात सुनी बिल्कुल हैरान हो गया उसके हाथ रुक गए उसने जीवन को देखा, फिर आजीविका को ये कैसी बातें कर रही है आप जीवन और अज्जू की शादी इस बारे में कब बात हुई और दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं दोनों एक से शादी कैसे कर सकते हैं आपने देखा तो है इन दोनों को अर्नव की यह बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं आजीविका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वही हाल जीवन का भी था तभी पंकज जी ने कहा बेटा हम इन दोनों की शादी की प्लानिंग बहुत पहले कर चुके हैं तुमसे डिस्कस नहीं किया लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए अर्नब ये सुनते ही दंग होकर उन सभी के चेहरे को देखने लगता है कौशल्या जी बोलती है ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाए अर्नब हैरान था वो सभी को हैरान होकर देख रहा था सभी आन्या भी अर्नब से कहती है हाँ अज्जू सच में जीवन से बहुत प्यार करती हूँ और जीवन भी अज्जू से बहुत प्यार करता है इसलिए आप जल्दी से इनकी शादी के लिए मान जाओ शादी अभी करेंगे तो ठीक है लेकिन अगर अभी आप एंगेजमेंट के लिए भी मान जाते हो तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वही जीवन ये सब चुपचाप सुन रहा था अचानक उसने आन्या का हाथ अपनी बांह से हटा दिया और उठकर खड़ा हो गया आन्या के साथ साथ सभी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। अब आगे अर्नब अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है ये देखकर सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं अर्नब ने सभी की तरफ देखते हुए कहा मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ ये शादी अब नहीं होगी अर्नव के इतना कहते ही सभी हैरान हो जाते हैं वही आजीविका के तो आँखों में आंसू आ गए जीवन भी बिल्कुल हैरान होकर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है कौशल्या जी और पंकज जी भी डाइनिंग टेबल से उठकर खड़े हो गए यह क्या कह रहे हो अज्जू बहुत प्यार करती है जीवन से तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बेटा कौशल्या जी के इतने कहाँ पर अर्णव ने आजीविका की तरफ देखा और बोला जब तक इसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं अज्जू की शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता और बेहतर होगा कि आप लोग भी कुछ न सोचें पंकज जी कहते हैं लेकिन बेटा हम शादी के लिए नहीं कह रहे हम तो एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं अगर तुम उसके लिए भी मान जाओगे तो भी ठीक है दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझेंगे वैसे तो बचपन से साथ रहे हैं तो इन दोनों को एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं समझना तुम भी जानते हो अर्नव ने जीवन की तरफ़ देखते हुए कहा जीवन तुम्हें भी शादी की जल्दी है अगर है तो तुम कोई और लड़की अपने लिए देख सकते हो लेकिन मैं अभी अपने बहन की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाना चाहता और यह मेरा आखिरी फ़ैसला है जीवन उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया वही आन्या कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलते लेकिन अर्नव अपना ब्लेजर सही करते हुए वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है आजीविका जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे उसने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा वही जीवन भी अपना मोबाइल उठाकर अर्नब के पीछे पीछे बाहर की तरफ चला जाता है उनके जाने के बाद आजीविका ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और भागकर अपने रूम की तरफ चली जाती है आन्या उसके पीछे जाती है लेकिन आजीविका ने अपना दरवाजा बंद कर लिया आजीविका रूम के दरवाजे के सहारे खड़ी होकर सिसकने लगी जबकि आन्या बाहर से दरवाजा पीट रही थी वही कौशल्या जी और पंकज जी घर का यह माहौल देखकर बिल्कुल परेशान हो जाते हैं जीवन कार ड्राइव करते हुए अर्नव को ऑफिस लेकर जाता है उन दोनों के बीच पूरे रास्ते कोई भी बात नहीं हुई थी अर्नव भी कार से निकलकर अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है जीवन उसे जाते हुए देख रहा था उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर आजीविका को कॉल किया लेकिन आजीविका किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी ऑफो ये लड़की गुस्से में कॉल भी रिसीव नहीं कर रही अब इसमें मेरी क्या गलती है अगर अर्नव ने ही रिश्ते से रिजेक्ट कर दिया तो जीवन अपने बालों में अपना हाथ फिरते हुए एक गहरी सांस बाहर छोड़ देता है उसके चेहरे की परेशानी बता रही थी कि उसे कितना बुरा लग रहा था लेकिन अर्नव के आगे वह कुछ भी नहीं बोल सकता था ऑडियो बाय सा जैक्स जीरो सेवेन अर्नव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था शाम का वक्त था जीवन उसके सामने ही था दोनों कुछ बात कर रहे थे अचानक उसके मोबाइल किसी का कॉल आता है अर्नव ने अपने मोबाइल को देखा तो पुलिस स्टेशन से कॉल था अर्नब ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा राघव मुझे क्यों कॉल कर रहा है शायद कुछ मसाला होगा तुम कॉल रिसीव करोगे तभी तो पता चलेगा जीवन में उसे देखते हुए कहा जीवन मोबाइल स्क्रीन की तरफ ही देख रहा था अर्नव ने कॉल रिसीव करते हुए मोबाइल जैसे ही कान पर लगाया तो उसने कहा हाँ कहो राघव कॉल कैसे किया अगर मैं अभी तुम्हें कॉल नहीं करता तो तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी अर्नव ने अपने माथे की लकीरें सिकोड़ कर कहा कौन सी और कैसी मुसीबत की बात कर रहे हो राघव क्यों तुम्हें पता है इस वक्त भाभी और अज्जू कहाँ है और कहा होगी राघव घर पर होगी अच्छा जरा उनको कॉल करो उसके बाद में फिर मुझे दोबारा कॉल करना राघव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया वही अर्नब मोबाइल को अपने कान से हटाते हुए हैरानी से देखने लगता है जीवन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर बोलता है क्या हुआ तुम्हें इतने परेशान क्यों लग रहे हो क्या कहा राघव ने ऐसा बोल रहा है कि आन्या और आजीविका को कॉल करो उसके बाद फिर उसे दोबारा कॉल करूं। हाँ तो कर लो जीवन बेफिक्र होकर कहता है अर्नब ने आनिया को कॉल मिलाया पर रिंग जा रही थी लेकिन सामने से कॉल रिसीव नहीं हो रहा था फिर उसने आजीविका को कॉल किया तो मोबाइल ही स्विच ऑफ था उसके बाद उसने घर पर कॉल किया मॉम आनिया और अज्जू कहा है वो दोनों तो मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए आनिया तो कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाती तो फिर आज कैसे चली गई मोम वो तो नहीं जाती पर तुम्हारी बहन उसे जबरदस्ती लेकर चली गई अर्नब ने जब ये सुना तो उसके दिमाग की घंटी बजने लगती है पर तुम क्यों पूछ रहे हो कुछ हुआ है क्या उन दोनों को कॉल कर लो अगर कोई जरूरी बात है तो कौशल्या जी के कहने पर अर्नव ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया वहीं उसने तुरंत राघव को दोबारा कॉल मिलाया जीवन उसको परेशान देखकर बोलता है क्या हुआ तुम्हें कहाँ है दोनों अर्णव ने जीवन को अपने हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा वहीं राघव ने दोबारा कॉल रिसीव किया राघव बोला क्या हुआ कहाँ है भाभी और अज्जू मार्केट गई थी लेकिन कॉल नहीं लग रहा क्या तुम्हें कुछ पता है कुछ हुआ है तो बताओ राघव हाँ हुआ तो है तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ दोनों यहीं पर है अर्नब ने जैसे ही राघव के मुंह से यह सुनो तो अपनी चेयर से बिल्कुल झटके से उठकर खड़ा हो गया क्या हुआ है दोनों को ठीक तो है अर्नब ने लगभग घबराते हुए कहा राघव ने सामने से कहा तुम यहाँ पर आकर ही देख लेना राघव ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया और वही अर्नब तुरंत अपनी चेयर पर रखा हुआ अपना ब्लेजर उठाने लगता है और उसे पहनता है जीवन भी उसके सामने खड़े होते हुए कहता है क्या हुआ तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो आन्या और रज्जू दोनों पुलिस स्टेशन में है पता नहीं क्या कर दिया है उन्होंने मुझे जाना होगा जीवन भी बिल्कुल हैरान हो गया उसने कहा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ वैसे भी ऑफिस क्लोज होने का वक्त हो गया है अर्नब ने उसकी तरफ देखकर अपनी गर्दन हिला दे और फिर दोनों ऑफिस से बाहर की तरफ निकल जाते हैं आन्या और आजीविका दोनों ही नजर झुकाकर खड़े थे और उनके सामने जीवन और अर्नव खड़े थे अर्नव बारी बारी उन दोनों के चेहरे को देख रहा था वही जीवन लगातार आजीविका को घूरता जा रहा था सामने राघव था और सभी पुलिस स्टेशन में थे बताए भाभी क्या किया है आप लोगों ने राघव ने आन्या को देखते हुए कहा आन्या तो अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी उसने जरा नजर उठाकर अर्नव की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था जब आन्या कुछ भी नहीं बोलती तो राघव ने कहा अच्छा ठीक है मैं ही बता देता हूँ अर्नब इन दोनों ने सड़क पर हंगामा किया और अज्जू ने तो कार ही तोड़ दी वही एक आदमी बैठा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए राघव बोलता है अर्नब और जीवन उसे आदमी को देखते हैं जो अपने हाथ बांधकर कर आजीविका को घूरता ही जा रहा था इस लड़की ने मेरी कार को टक्कर बीमारी और उसके बाद मुझे धमकाने भी लगती है आदमी आजीविका को देखते हुए कह रहा था वही आजीविका चुपचाप किसी स्टैचू की तरह खड़ी थी और उन्होंने आजीविका को देखा और अपने हाथ बांधते हुए कहता है तुम्हें मना किया है ना ड्राइव नहीं करना है मतलब नहीं करना है आजीविका अपनी नजरें उठाकर जीवन की तरफ देखती है और अर्णव से कहती है भाई मैं तो बस गुस्से में किस बात का गुस्सा गुस्सा तो मुझे करना चाहिए ना तुम पर आखिर इतना अच्छा रिजल्ट आया है तुम्हारा आजीविका ने अर्नब की तरफ देखते हुए कहा भाई प्लीज आप तो मत बोलो मुझे वैसे भी जीवन में बहुत डांटा है हाँ और तुमने मेरा गुस्सा बाहर निकाल दिया क्या तुम जानती भी हो ही नहीं या फिर तुम ऐसे ही इनको धमकाने चली आई आजीविका जीवन को देखते हुए कहती है तुम तो छुप ही रहो सब तुम्हारी वजह से हुआ है जीवन उसकी बात सुनकर उसे घूरने लगता है तभी अर्नव उसे कहता है हाँ और तुम जीवन को बुरा बोलना बंद करो चलो इसे माफी मांगो और जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो इस मंथ की तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हें नहीं मिलेगी आजीविका ये सुनते ही अर्नव को हैरानी से देखकर कहती है भाई आप ये क्या कह रहे हो अभी तो महीना शुरू हुआ है अर्नब उसे देखने लगा तो आजीविका चुपचाप अपनी गर्दन हिला देती है उसने कहा ठीक है भाई जैसा आप कहें आजीविका उसे आदमी के सामने आकर अपनी नज़र झुकते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मैम बिना वजह पर गुस्सा किया और आपका नुक़सान भी कर दिया आदमी अपनी गर्दन हिलाते हुए आजीविका को देखा है उसके बाद अर्नव ने आन्या को देखते हुए कहता है चलो तुम भी माफी मांगो तुमने भी गलती की है अगर तुम इसका साथ नहीं देती तो ये सब नहीं होता आन्या कुछ खाने के लिए अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखती है लेकिन अर्नव ने अपनी उंगली के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया आन्या भी आदमी से सॉरी कहती है वो आदमी अपनी कार का नुकसान अपने साथ हुए बर्ताव के लिए आजीविका से करीब तीन लाख रुपए ले लेता है इसके बाद राघव ने भी रिपोर्ट कैंसल कर दी अर्नव ने उन दोनों को देखते हुए कहा चलो अब घर चलो आज के लिए इतना काफी है आन्या और आजीविका दोनों ही अपने अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी जीवन आजीविका के साथ चल रहा था वही आजीविका आगे आगे चल रही थी जीवन में अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ करते हुए बोला इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता जीवन ने देखा कि आजीविका की आंखों में आंसू थे जीवन ने उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसके आंसुओं को अपने होठों से छू लिया रोते नहीं है मैं जानता हूँ तुमने गुस्से में आकर यह सब किया और मुझे भी तुम्हें इतना डांटना नहीं चाहिए था तुमने इस बार काफी मेहनत की है आजीविका जीवन की बात सुन उसकी तरफ देखती है जीवन ने मुस्कुराते हुए अपनी पलके झपकाए आजीविका उसकी तरफ देखती है और कुछ देर उसे घूमने के बाद मुस्कुरा देती है उसने जीवन के सीने पर छुटी काटते हुए कहा मुझे अपनी मोहब्बत करते हो तो डांटा मत करो तुम जरा सा डांट देते हो तो मुझे रोना आता है जीवन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है वो आजीविका को अपने सीने से लगाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी अर्नव की आवाज उनके कानों में आती है जो उन दोनों को बुला रहा था जीवन आजीविका को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है अभी घर चलते हैं। घर जाने के बाद में तुम्हें एक बिग किस मिलेगी काफी दिन हो गए है ना तुम्हारे होठों का टेस्ट में नहीं किया है आज विकास की बात सुनकर शर्माने लगती है फिर जीवन में उसकी हथेली को अपनी हथेली से जोड़ लिया और दोनों कार की तरफ चल दिए रात का वक्त हो चुका था दिन भर की भागदौड़ की वजह से अर्नव काफी ज्यादा थक गया था तो अपने बेड पर आकर पसर कर लेट जाता है उसके पैर नीचे की तरफ लटक रहे थे और उसने अपने दाएं हाथ को अपनी आंखों के ऊपर रखा हुआ था छत को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी वही बाथरूम पानी की आवाज आती है आन्या रात का शॉवर ले रही थी शॉवर लेने के बाद जब बाहर आई तो अर्नव को देखकर उसने टॉवल से अपने बालों को साफ करते हुए अपने आप से कहा बात करने की हिम्मत भी नहीं हो रही लेकिन यह ऐसे कैसे सो रहे हैं इन्हें कुछ बोलेगी तो दोबारा गुस्सा करेंगे आन्या बालकनी में चली गई और वही खड़ी होकर अपने बाल सुखाने लगती है वही अर्नव अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था आन्या को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आज उसकी वजह से अर्नव कितना परेशान हो गया था जब से वो घर आए थे तब दोनों ने बात भी नहीं की थी हालांकि अभी तक सभी डिनर कर लिया था और सो गए थे वही हाल अर्नब का भी था उसने कहा सोचा था कि घर जाने के बाद आन्या को प्यार से चुम लगा और उसे कहेगा कि उसने इतना अच्छा रिजल्ट देकर उसे कितना प्राउड फील करवाया है लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था आन्या बाहर चल रही ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर शोर डाल दी और फिर उसे अपने बड़ों के घेरे में ले लिया आप यहाँ आपतेज सो रहे थे ना आन्या बोली आन्या ने पलटकर नहीं देखा लेकिन अर्नब को स्पर्श से समझ गई कि यह कोई और नहीं बल्कि और ना ही था जो उसे पकड़े हुए था और उन्होंने उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया और उसके बालों को पीछे से हटाते हुए आगे कर दिया उसने उसकी गर्दन को अपने होठों से छूटे हुए उसके कान पर किस किया और सामने की तरफ देखने लगा आन्या भी उसे अपने इतने क़रीब देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है उसने अपनों के स्पर्श को महसूस करना शुरू कर लिया अर्नब ने अपने दोनों हाथ उसके पेट पर किए हुए थे और आन्या ने भी उसे पकड़ा हुआ था आन्या उसके सहारे से खड़ी थी तभी अर्नव बोला जब से घर आया हूँ तब से तुमने कुछ बोला ही नहीं है तुम्हें पता है ना तुम्हारा खामोश चेहरा मुझे पसंद नहीं आप भी तो बोल सकते थे लेकिन आपने भी कुछ नहीं बोला मुझे तो बुरा लग रहा है आन्या अपनी आंखें बंद किए हुए ही यह कहती है वही अर्णव उसके कान के पास अपने होंठ करते हुए कहता है आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू माय एंजल आन्या अर्णव के मुंह से यह बात सुनकर अपनी आंखें खोला वो उसकी तरफ पलट कर देखती है दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे आन्या ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए थे उसने उदास चेहरे से कहा और मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई ना जान मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है इसलिए मैंने तुम्हें डांटा और तुमने अज्जू का साथ दिया इसलिए भी मुझे गुस्सा आया तो मैं तो पता है वो बच्ची है बातों को नहीं समझती लेकिन तुम तो मेरी समझदार पत्नी हो ना आन्या उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे देखते हैं तभी अर्नव ने उसके माथे को चुमते हुए कहा पर कोई बात नहीं तुमने मेरी बात मानी और माफी मांगी मुझे बहुत अच्छा लगा मैं जो कहता हूँ तुम आसानी से मान लेती हो कभी किसी बात पर सवाल नहीं उठाती आन्या कुछ नहीं कहती लेकिन उसके सीने से चिपक कर अपने चेहरे को उसके सीने पर रख लेती है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है आपके खिलाफ जाना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो आप रहते हो मेरी भलाई के लिए कहते हो अर्नव ने जब उसकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है अर्नव ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और फिर उसके बालों को चुमते हुए बोला ये दिल तो तुम्हें हमेशा खुश देखना और इसलिए तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांट देता हूँ तो बुरा मत माना करो क्योंकि तुम्हें मुझे यूं खामोश अच्छी नहीं लगती आन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है उसने अर्नव को और भी कसकर अपने सीने से लगा दिया और अर्नव ने भी उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों को चुम लिया सिंघानिया मेंशन में आरती की गूंज चल रही थी सभी आरती में मग्न होकर आन्या के साथ भगवान की पूजा में लीन थे आरती खत्म होने के बाद अन्य ने सभी को प्रसाद दिया और उसके बाद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगने लगी वहीं अर्नव जीवन के साथ हाल में बैठकर कुछ मीटिंग के सिलसिले में बात कर रहा था और दूसरी तरफ पंकज जी अपने न्यूज़पेपर के पन्नों को टटोल रहे थे कौशल्या जी ने आवाज लगाते हुए सभी से कहा आ जाओ नाश्ते का वक्त हो गया है उनकी आवाज़ सुनकर सभी धीरे धीरे उठकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं आज सारा खाना आनिया ने बनाया था और सभी बहुत खुश भी थे क्योंकि आन्या का रिजल्ट इतना अच्छा जो आया था वैसे सभी आजीविका से भी खुश थे क्योंकि उसने अब की बार काफ़ी मेहनत की थी और अर्नव और जीवन ने कल के इंसिडेंट के बारे में घर पर कुछ भी नहीं बताया था आन्या ने मुस्कुराते हुए अर्नव को ब्रेकफास्ट दिया और खुद भी उसके पास आकर बैठ गई अर्नव ने ये देखा कि अन्य ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया है तो ये देखकर अर्नव उसकी तरफ देखते हुए कहता है इंजल तुमने कुछ भी नहीं लिया आन्या ने कुछ भी नहीं कहा बस चुपचाप अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ देखने लगी अर्नब मुस्कुराते हुए खाने का निवाला तोड़कर उसके मुंह में रखते हुए बोला अच्छा तो तुम्हें मेरे हाथ से खाना है आज नहीं मुझे तो रोज आपके हाथ से खाना हो गया लेकिन आप खिलाते नहीं हो ना आन्या इतना कहकर मुस्कुरा देती है वही अर्नब भी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है अर्नव और आनिया कोई इस तरह देखते हुए सभी मुस्कुराने लगते हैं तभी कौशल्या जी बोली हाँ मेरी बहू को अपने हाथों से खिलाया करो अभी वैसे भी बच्ची है ये माँ आप भी ना ये तो ऐसे ही कहती रहती है आप भी इसका साथ दे रही हैं रोज रात को मेरे हाथ में खाना खाती है ये अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा सभी कौशल्या जी और पंकज जी मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं जबकि जीवन और आजीविका जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे आई कांटेक्ट करते हुए एक दूसरे से न जाने क्या कह रहे थे आजीविका भी बच्चों की तरह मुंह खोल रही थी लेकिन फिर उसे खुद ही अपने हाथ से खाना खाना पड़ रहा था क्योंकि जीवन तो अर्नव के सामने उसे अपने हाथ से खाना खिलाएगा नहीं वही जीवन उसका चेहरा देखकर मुस्कराने लगता है अभी सभी नाश्ता कर रहे थे तभी कौशल्या जी ने कौशल्यानब से कहा तो बेटा क्या प्लान है फिर आजीविका को लेकर अर्नब जो नाश्ता कर रहा था उसने अपनी नजर उठाकर देखा और बोला हमारी अज्जू अपनी पढ़ाई कर रही है अभी जो कर रही है उसे करने दो आगे जो भी करना होगा बता देगी मैसेज से फैशन डिजाइनिंग करनी है ना क्यूँ अज्जू सही कहा ना मैंने आजीविका का दिल धक धक कर रहा था उसने अर्नब की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिला दी लेकिन आगे कुछ नहीं बोली और अपनी नजर झुकाकर बैठ गई पंकज जी अर्नव की तरफ देखकर बोलते हैं, अरे बेटा तुम्हारी माँ ये कह रही है कि तुमने अज्जू की शादी के लिए क्या सोचा है आजीविका ये बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है और उसके दिल के धड़कने तेज चलने लगती है उसने अपनी नजर उठाकर जीवन की तरफ देखा वही जीवन अपनी आईब्रो उठाते हुए उसे छेड़ रहा था अर्नब उनको देखते हुए कहता है अभी शादी की क्या जरूरत है अभी तो ये बच्ची है और पढ़ाई कर रही है जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक शादी का मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी शादी की नहीं बोल रहे हैं लेकिन एंगेजमेंट के बारे में तो तुमने सोचा ही होगा कौशल्या जी मुस्कुराते हुए कहती है अर्नव अपनी नज़रें घूमकर सभी के चेहरों को देखने लगता है उसने आन्या के चेहरे को देखा जो भी अपनी कोहनी को टेबल पर टिकाकर गर्दन पर हाथ रखकर उसे देख रही थी अर्नव सभी के चेहरे को देखते हुए कहता है मैंने फिलहाल किसी की शादी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है और ना एंगेजमेंट के बारे में सोचा है और अभी लड़का कहाँ है हमने लड़का भी तो नहीं ढूंढा बिना लड़के के शादी कैसे हो सकती है अर्नव की बात सुनकर कौशल्या जी हंसते हुए कहते हैं लड़का तुम्हारे सामने बैठा है और तुम पूछ रहे हो कि लड़का नहीं है अर्नब से अपनी मां की शक्ल को देखते हुए कहता है कौन लड़का किसकी बात कर रही हो मौम आप? तभी कौशल्या जी जीवन की तरह देखते हुए कहती है मैं आजीविका और जीवन के रिश्ते की बात कर रही हूं इतनी देर तुझे ये भी समझ नहीं आया आन्या आजीविका के कंधे पर अपना कंधा मारती है वही जीवन मुस्कुराते हुए आजीविका को देख रहा था लेकिन अर्नब जिसने यह बात सुनी बिल्कुल हैरान हो गया उसके हाथ रुक गए उसने जीवन को देखा फिर आजीविका को ये कैसी बातें कर रही है आप जीवन और अज्जू की शादी इस बारे में कब बात हुई और दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं दोनों एक से शादी कैसे कर सकते हैं आपने देखा तो है इन दोनों को अर्नब की यह बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। आजीविका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वही हाल जीवन का भी था तभी पंकज जी ने कहा बेटा हम इन दोनों की शादी की प्लानिंग बहुत पहले कर चुके हैं तुमसे डिस्कस नहीं किया लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए अर्नव ये सुनते ही दंग होकर उन सभी के चेहरे को देखने लगता है कौशल्या जी बोलती है ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों जल्द से जल्द एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध जाए अर्नब हैरान था वो सभी को हैरान होकर देख रहा था सभी आन्या भी अर्नब से कहती है हाँ अज्जू सच में जीवन से बहुत प्यार करती हूँ और जीवन भी अज्जू से बहुत प्यार करता है इसलिए आप जल्दी से इनकी शादी के लिए मान जाओ शादी अभी करेंगे तो ठीक है लेकिन अगर अभी आप एंगेजमेंट के लिए भी मान जाते हो तो भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वही जीवन ये सब चुपचाप सुन रहा था अचानक उसने आन्या का हाथ अपनी बाह से हटा दिया और उठकर खड़ा हो गया आन्या के साथ साथ सभी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। आजीविका अपनी घुटनों में अपना चेहरा छुपा कर बैठी थी उसने एक बार भी अपना चेहरा उठाकर सामने बैठी आन्या को नहीं देखा वही आन्या जब उसे इतना परेशान और उदास देखती है तो उसने उसके माथे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा अज्जू जो तुम मेरी तरफ देखो ऐसे बच्चों की तरह जीते कौन करता है अब तुम बड़ी हो गई हो पिछली बार भी तुमने जिद की थी तो क्या हुआ था तुम्हें पता है ना आजीविका अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है काफी उदास दिख रही थी और मायूस भी उसने आन्या से कहा हाँ मैंने पिछली बार जिद की थी लेकिन गलत चीज़ के लिए की थी लेकिन अब की बार तो जो इंसान भाई को पसंद है और पूरी फ़ैमिली को पसंद है उससे शादी करना चाहती हूँ शादी नहीं लेकिन भाई अगर इतना ही कह देते हैं कि वो मेरी शादी उससे करवा देंगे तो मैं खुश हो जाती आन्या ने समझाते हुए कहा हाँ जीवन की शादी तुमसे ही होगी तुम इतना परेशान मत हो अभी ना सही तो कुछ सालों बाद आजीविका ने आन्या के हाथ पकड़ लिए और उसकी हथेली को अपनी हथेली में पकते हुए कहती है तुम नहीं समझ रही हो मुझे खोने का डर लगने लगा है अगर मैं जीवन से दूर हो गई तो आन्या ने आजीविका को देखकर समझते हुए कहा जीवन तुमसे बहुत प्यार करता है कहीं नहीं जाएगा तुम्हें छोड़कर तुम सत्तर साल की भी हो जाओगी ना तो भी वो तुम्हारे लिए ही इंतजार करता रहेगा और तुमसे ही शादी करेगा आजीविका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा नहीं मुझे ऐसे यकीन नहीं है जब तक मुझे भाई नहीं कहेंगे तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती मुझे जीवन पर भरोसा है लेकिन अगर भाई नहीं मना कर दिया तो आन्या उसकी इनसिक्योरिटी देखकर कुछ सोचती है फिर उसने आजीविका को देखते हुए कहा आन्या उसकी आंखों में देखते हुए बोली अच्छा मैं देविल को मना लूंगी और अगर नहीं माने तो मैं उनको कैसे भी करके मना लूंगी लेकिन तुम तो ऐसे मुहमत बनाओ जीवन तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा और देविल भी जीवन से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे वरना मैं उन्हें तलाक दे दूंगी आन्या ने हंसते हुए कहा तब आजीविका उसे देखते हुए बोली खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ कहा तो आन्या उसकी तरह देखते हुए कहती है और जो तुम अपना ऐसा मुंह बनाकर बैठी हो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता चलो नीचे चलो माँ और पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सुबह से पता है कितने परेशान थे अभी तुमने दरवाजा खोला तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें समझाऊं क्योंकि तुम किसी और से तो समझती नहीं हो और इसके लिए तुम इतना रो रही हो तुमने उसका कॉल भी अटेंड नहीं किया पता है उसने कितने कॉल किए हैं सुबह से जीवन में तुम्हारे मोबाइल पर तो कॉल किया ही और मुझे भी परेशान कर दिया कि तुमसे बात करवाओ आजीविका मुस्कुराते हुए शर्माने लगी तो आंसा बोली क्यों शर्मा रही हो अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है और तुम दुल्हन नहीं बनी हो इसलिए शर्माना बंद करो वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर यह सब अच्छा नहीं लगता है अज्जू आजीविका ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा अच्छा फिर भाई के सामने आने पर तुम क्यों खामोश हो जाती हो तुम्हारे मुंह में तो दही जम जाता है और तुम भी तो मुस्कुराती हो शर्माती हो मैं भी एक लड़की हूँ यार मेरी भी फीलिंग उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली अच्छा ठीक है मैं समझ गई तुम्हारी बात लेकिन अभी तुम जाकर अपना धो धोलो और फिर जीवन से बात करो मैं नीचे जा रही हूँ माँ को बताती हूँ कि अभी उनकी बेटी बिल्कुल ठीक है वरना मन भी बहुत परेशान थी तब तक तुम भी नीचे आ जाना साथ लंच करेंगे। आन्या ने इतना कहा और जाने लगी तभी आजीविका ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। आजीविका बैड से नीचे उतर कर आन्या ते गाल पर किस करते हुए बोली तुम तो मेरी एक अच्छी दोस्त ही नहीं बल्कि बेस्ट भाभी भी हो आन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है वही ऑफिस में जीवन मीटिंग रूम में बैठा हुआ था मीटिंग रूम में काफी सारे क्लाइंट भी थे और अर्नब भी कुछ प्रेजेंटेशन देख रहा था सभी खामोश होकर प्रेजेंटेशन सुन रहे थे तभी जीवन का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो आजीविका का कॉल था आजीविका का कॉल देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है लगता है इसका मूड ठीक हो गया तभी कॉल कर रही है लेकिन अभी तो प्रेजेंटेशन चल रही है बीच में उठकर जा भी नहीं सकता वरना अर्नव मेरा गला दबा देगा जीवन मोबाइल की तरफ देखकर यह सब कह रहा था तभी अर्नव जो उसके पास में ही बैठा था उसने कहा जीवन अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो बाहर जाकर उठा लो वरना मोबाइल को बंद करो जीवन इतना सुनते ही अर्नव की तरफ देखते हुए कहता है बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है मैं बात करके आता हूँ जीवन इतना कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है और अर्नब उसे देखते रहता है मीटिंग रूम से बाहर आने के बाद जीवन में तुरंत कॉल रिसीव किया और बोला स्वीटू तुम्हें कितनी बार समझाना होगा इस तरीके से मत किया करो मैं डर जाता हूँ मुझे माफ कर दो मैं गुस्से में थी इसलिए तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया तुम जानते हो ना मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है और भाई ने कहा तो मुझे बहुत डर लग रहा था तुम्हें खोने का डर जीवन इतना सुनते ही मुस्कुराते हुए कहता हाँ मैं जानता हूँ और यही डर मुझे भी होगा ना तुम सिर्फ अपना देखती हो मेरे दिल का हल नहीं समझती तुम ही मुझसे प्यार हुए सिर्फ कुछ महीने हुए हैं और मुझे तुमसे बचपन का प्यार है जब अर्नव ने ही कहा तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा होगा लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो ये बात आती नहीं है तुम तो सिर्फ गुस्से की दुकान बनकर घूमती हो आजीविका उदास चेहरा बना लेती है तो जीवन ने उसे किस करते हुए कहा अच्छा ठीक है अभी मैं मीटिंग में हूँ तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊँगा वरना अर्णव को डाउट हो जाएगा बाकी बातें घर आकर करता हूँ लेकिन तुम परेशान मत हो और चाहे हमारी शादी हो या ना हो मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा और हमेशा करूँगा आन्या ने आजीविका से तो वादा कर दिया था कि अर्नव को मना लेंगे लेकिन मनाएगी कैसे यह बात उसे नहीं पता थी लेकिन फिर भी अपने डेविल को मनाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करती ही रात का वक़्त हुआ और अर्णव ऑफिस से घर आया जब कार पाक हुई तो अपने रूम की खिड़की से उसने बाहर झांक कर देखा अर्नव के बाहर निकलते ही उसने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली और बेड पर आकर बैठ गई अर्नव का इंतजार करने लगी कि कब रूम में आए वही अर्नव मेंशन के अंदर आता है जहां आजीविका हॉल में बैठी हुई थी अर्नव ने एक नजर उसको देखा लेकिन कुछ बोला नहीं आजीविका भी रिमोट को हाथ में लेकर उसके बटन दबाए जा रही थी उसने अर्नब को देखा तो दिया था लेकिन शांत रही अज्जू मॉम कहा है अर्नव ने उसकी तरफ देखकर सवाल किया तो आजीविका ने किचन की तरफ अपनी नजरें घुमाई और उन्होंने कहा अच्छा डिनर क्या बनाना है यही डिस्कस कर रही होगी आजीविका ने उसकी बात सुनकर अपनी गर्दन हिला दी अर्नब उसके पास आया और उसके बालों पर अपने हाथ बिगाड़ते हुए बोला थोड़ा प्यार से बोलोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मेरे कान हमेशा खड़े रहते हैं आखिर भाई हूँ तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ आजीविका मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगती है अर्नब उसकी मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा देता है उसके बाद उसने अपने कदम अपने रूम की तरह बढ़ा दिया सीढ़ियाँ चढ़कर जब रूम में गया तो आजीविका उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, भाई मैं आपसे नाराज़ नहीं हो सकती वही जब उसने दोबारा अपनी नजरें सामने की तो जीवन उसके सामने ही खड़ा था जीवन को देखकर आजीविका अपनी गर्दन उठाती है लेकिन जीवन अपनी गर्दन नीचे झुकते हुए उसको देखने लगता है उसने उसकी आँखों को बड़ी बड़ी देखते हुए कहा लगता है बहुत ज्यादा रोई हो शक्ल देखो अपनी और आंखें तो ऐसे सज गई है जैसे मधुमक्खी खा कर है तुम्हें आजीविका उसकी बात सुनकर अपना मुंह टेढ़ा करते हुए उसको बोलती है तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब और जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ बहुत बदबू आ रही है तुम्हारे अंदर से जीवन ने उसकी बात सुनकर उसके सिर पर अपना हाथ मारते हुए कहा कभी कभी यही बदबू तुम्हें बहुत अच्छी लगती है कि मेरे बदन से ऐसे लिपटी रहती हो जैसे मुझसे दूर ही नहीं जाना चाहती और अभी बातें आ रही है जीवन उसे खुश देखकर खुश था और चाहता भी नहीं था कि आजीविका आज सुबह वाली बातों को याद करके वापस दुखी हो जाए इसलिए उसने सुबह वाली कोई भी बात उससे दोबारा नहीं की आजीविका ने उसे धक्का मारते हुए कहा जाओ भी अब मेरे चेहरे को देखते रहोगे क्या इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं हाँ सही कहा तुमने खूबसूरत तो नहीं हो लेकिन क्या करूँ जब दिल में चुड़ैल बस गई है तो चुड़ैल की बदसूरती भी खूबसूरत लगती है जीवन उसको देखकर मज़ाकिया अंदाज में बोला तो आज ही बीकानेर वही रखा हुआ तकिया उठाकर उसकी तरफ़ फेंक दिया लेकिन जीवन भागकर अपने रूम में चला गया और आजीविका गुस्से से लाल आँखें करके उसे घूरने लगी कौशल्या जी किचन से बाहर निकाल कर आई उन्होंने जब आजीविका को यूं गुस्सा करते हुए देखा तो बोली पता नहीं मैं क्या खाकर तुम्हें पैदा किया था तुम्हारा बर्ताव मुझे समझ ही नहीं आता कभी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती हो कभी रोती हो और कभी गुस्सा करती हो कभी हंसती हो आजीविका अपनी मां की तरफ देखते हुए बोली आपको पता तो है आपके प्यार जीवन को आदत है घर आकर मुझे परेशान करने की मुझे चुड़ैल बोलकर गया है और गुस्सा ना करूं तो क्या करूं आजीविका की बात सुनकर कौशल्या जी हंसने लगी और बोली अच्छा ठीक है तुम दोनों का वैसे भी कुछ नहीं हो सकता चाहे अर्नब इस शादी के लिए माने या ना माने लेकिन तुम दोनों जिस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हो कोई तीसरा तुम दोनों को नहीं संभाल सकता आजीविका सोफे से उठकर खड़ी होते हुए बोली आप जाए काफी देर पहले डेड आपको बुला रहे थे अगर अभी आप नहीं गई तो दोबारा आज बीकानेर इतना कहा कि पंकज जी रूम से आवाज लगाते हुए बोले कौशल्या आजीविका ने हाथ के इशारे से कहा प्लीज ये आ गया बुलावा मॉम कौशल्या जी बड़बड़ाते हुए बोली दोनों बाप बेटी ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है अब घर का काम भी ना करूं, यहां नौकर सब उठ पटांग काम करते हैं, सभी को समझाते हुए मुझे शाम हो जाती है इनको भी मुझसे तभी काम होता है जब मैं कुछ कर रही होती हूं। कौशल्या जी यूं ही शिकायतें करती हुई रूम की तरफ चली जाती है आजीविका ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हंसकर कहा इस घर के लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता तभी आजीविका अर्नब के रूम की तरफ देखते हुए अपने आप से बोलती है आन्या ने बोला था भाई को शादी के लिए मनाएगी पता नहीं क्या बातें हो रही होगी क्या मुझे भी जाना चाहिए लेकिन पति पत्नी की जासूसी करना अच्छी बात नहीं है वही अर्नव जब रूम के अंदर आया तो आन्या बेड पर बैठी हुई थी अर्नव को देखकर तुरंत खड़ी हो गई बिल्कुल सावधान की अवस्था में आन्या को देखकर अर्नव ने अपनी आंखें गोल घूमते हुए कहा बच्चा ऐसे क्यों खड़ी हो रही हो क्या तुमने कोई भूत देख लिया है क्या आन्या ने अपनी गर्दन हिलाई और उसके पास आकर उसका ब्लेजर निकालने लगी फिर उसके सामने आकर उसकी टाई निकालने लगी उसके बाद आन्या ने उसके शर्ट का पहला बटन खोल तभी अर्नव उसके चेहरे को देख रहा था बिल्कुल खामोश थी कुछ भी नहीं बोल रही थी आन्या को इतना खामोश देखकर कर उसके हाथ को पकड़ लेता है बच्चा क्या बात है इतनी खामोश क्यों हो किसी ने कुछ कहा तुमसे आन्या ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया उसने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई और अर्नव अपने होंठ को टेढ़ा करते हुए उसको देखने लगता है आन्या ने उसकी शर्ट के एक एक बटन को खोलना शुरू किया और अर्नब उसके चेहरे को देख रहा था बच्चा मैं हूँ तुम्हारे सामने और तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनने की आदत है मेरे दिन भर की थकान तभी खत्म होती है जब तुम मुझसे बातें करती हो अर्नब के इतना कहने पर उसने अपनी नजरें उठाकर अर्नब के चेहरे को देखा और बोली लेकिन मैं मुंह खोलेगी तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगी आप सुनना चाहते हैं अर्नब ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है बिल्कुल मैं सुनना चाहता हूँ आन्या के चेहरे पर स्माइल आ गई वो अर्नब के सीने से लिपटते हुए कहती है ठीक है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अज्जू और जीवन की शादी के लिए राजी हो जाए आन्या की बात सुन अर्नव ने उसके बालों पर अपना हाथ से सहला कर कहा बच्चा मैं जानता था तुम यही कहने वाली हो लेकिन तुमने मेरा फैसला सुना था और अभी अज्जू बहुत छोटी है उसकी शादी अभी आन्या उससे दूर हट गई वो अर्नव की आंखों में देखते हुए बोली जब मेरी शादी हुई थी तो क्या मेरी उम्र थी मैं सिर्फ 20 साल की थी और अज्जू तो 21 की होने वाली है और शादी के लिए कौन बोल रहा है सिर्फ सगाई करनी है शादी आप जब कहेंगे तब कर देंगे लेकिन अभी आपको नहीं पता जो कितना प्यार करती है जब आपने कहा कि शादी नहीं होगी तो उसने खाना नहीं खाया था मैंने बहुत मुश्किल से मनाया उसे अर्नव उसे कुछ बोलना चाहता लेकिन उसने वापस अपना सर अर्नव के सीने से लगा लिया और अर्नव को कसकर पकड़ लिया प्लीज मान जाए और शादी तभी कीजिएगा जब अज्जू एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाए अर्नब उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है लेकिन तुमने देखा तो है उन दोनों को बचपन से किस तरीके से रहते हैं एक दूसरे को मार डालेंगे अगर शादी हो गई तो आन्या ने अपने होठों को गोल किया और गहरी सांस लेते हुए बोली आप जीवन के इतने अच्छे दोस्त हैं लेकिन फिर भी आपको ये बात नहीं पता कि जीवन हमारी अज्जू से बचपन से प्यार करता है और अज्जू को भी अब जीवन के प्यार का एहसास है उसे भी जीवन से बहुत प्यार है मोहब्बत में हमेशा प्यार से रहे जरूरी तो नहीं मोहब्बत होती है वहाँ तो लड़ाई झगड़ा भी होता है आप बेमतलब ही डरते हो अर्नव उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया लेकिन कुछ बोला नहीं फिर कुछ सोचकर उसने कहा अच्छा ठीक है मैं सगाई के लिए मना नहीं कर रहा लेकिन सगाई एक महीने बाद होगी तब तक मुझे भी देखना है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं आन्या ने अर्नव की बात सुनी तो खुशी से उछल कर बोली क्या सच में अर्नव उसके बालों के लटको कान के पीछे करते हुए बोला हाँ मेरी एंजल अन्य अर्नव के सीने से लिपट गई उसने अर्नव को अपनी बाहों में भरते हुए कहा सिर्फ मैं ही आपकी बात नहीं मानती आप भी मेरी बात मान लेते हो इसलिए तो आप अच्छे वाले डेविल हो अर्नव उसकी बात सुनकर मुस्कराने लगता है और उसने भी अपनी एंजल को अपनी बाहों में कस जका कर लिया ऑडियो बाई साकिल जैक्स जीरो सेवेन अर्नव ने सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आजीविका को देखते हुए अपनी तरफ इशारे से बुलाते हुए कहा अज्जू यहाँ पर आओ मेरे पास घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का नाश्ता कर रहे थे और जीवन भी वहीं पर मौजूद था जब अर्नब ने आजीविका को बुलाया तो आजीविका तो हैरान होकर देखने लगती है लेकिन बाकी सभी भी अपनी नजरें उठाकर और अर्नब आजीविका को देखने लगते हैं आजीविका का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था उसने अपनी नजरें घुमाकर आन्या को देखा आन्या बिना किसी एक्सप्रेशन का उसको देख रही थी आजीविका उसको इस तरह देखकर अपने आप से मन ही मन कहती है क्या भाई मुझे डांटना वाले हैं? कहीं आन्या के बोलने की वजह से मुझ पर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे आखिर में नहीं तो कहा था उसे भाई को मनाने को लेकिन अब क्या बोलूंगी आजीविका अपने आप से यह सोचते हुए सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और अर्नव के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है अर्नब उसे गंभीर होकर देख रहा था कौशल्या जी और पंकज जी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं अर्नव आजीविका के कंधे पर अपना हाथ रखता है और फिर सामने की तरफ पलटते हुए जीवन को देख कहता है जीवन तुम भी यहाँ पर आओ अर्नव के इस तरह बुलाने पर जीवन की सांस भी अटक जाती है उसे नहीं पता था कि आजीविका आज ने आन्या को को शादी के लिए मनाने के लिए कहा था जीवन अपने मन में सोचता है कहीं अज्जू ने दोबारा कुछ कर तो नहीं दिया अगर कर दिया होगा तो सारा मुझे ही सुनना है अर्नब के बुलाने पर जीवन भी उठकर अर्नव के राइट साइड में आकर खड़ा हो जाता है आजीविका अर्नब के लेफ्ट साइड में खड़ी थी और जीवन अर्नब के राइट साइड में खड़ा था अर्नब ने आजीविका को देखते हुए कहा अच्छा तो तुम्हें जीवन से शादी करनी है आजीविका क्या कहे उसने एक बार नजर उठाकर अर्नव की तरफ देखा और फिर नज़र झुका ली और अर्नव उसकी झुकी हुई नजरें देखकर कहता है बोलो मैं तुम्हारी नज़रों से समझ नहीं पाता ये बताओ तुम्हें जीवन से शादी करनी है या फिर नहीं हाँ भाई मैं जीवन से प्यार करती अज्जू इतना ही कहती है कि अर्नव उसको रोकते हुए कहता है मैंने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं मैंने ये कब कहा कि तुम प्यार करती हो या नहीं ये भी बताओ अर्नब के कहने पर आजीविका झेप जाती है और बिल्कुल शांत हो जाती है वही अर्नव उसके चेहरे से नजर हटाकर जीवन की तरफ देखा है जीवन चुपचाप खड़ा था उसके चेहरे पर घबराहट तो दिखाई दे रही थी लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया हुआ था क्या तुम अज्जू से प्यार करते हो जीवन अर्नब की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ अर्नब अर्नब उसको देखते हुए कहता है ये जानते हुए भी कि मेरी बहन आधी दिमाग की है तुम उसके साथ अपनी जिंदगी बिता लोगे जीवन मुस्कुराते हुए बोला ज़िंदगी में सात जन्म बिताने के लिए तैयार हूँ अच्छा लेकिन तुम दोनों तो आपस में लड़ते रहते हो शादी के बाद तुम तो यही रहोगे अगर दोनों ने लड़ाई की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आजीविका ये सुनकर खुश थी कि अर्नब शादी के लिए शायद रेडी हो गया है लेकिन उसे अभी कंफर्म नहीं था तभी जीवन कहता है मैं कहाँ लड़ता हूँ तुम्हारी बहन मुझसे लड़ती है और दिन भर लड़ती रहती है जीवन के इतना कहने की देर थी कि तभी आजीविका उसको देखते हुए कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की तुम मुझसे नहीं लड़ते मुझे जब हमेशा परेशान करते हो और मुझे तुम्हारी हरकतों की वजह से गुस्सा आता है अगर मुझ पर बिना वजह के इल्ज़ाम लगाए तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं जान से मार दूंगी तुम्हें जीवन डरने का नाटक करते हुए दो कदम पीछे हटते हुए कहता है देख लो तुम्हारी बहन अभी भी मुझे धमका रही है अगर शादी के बाद में मर गया तो अर्नव ध्यान रखना मुझे करने वाली सिर्फ़ यही होगी आजीविका उसे अपनी आंखें छोटी करते हुए घूर घूर कर देखने लगी और बोली शादी के बाद मैं तुम्हें अभी मार दूंगी तुम आओ मेरे हाथ दोनों ने लड़ना स्टार्ट किया तो डाइनिंग टेबल पर बैठे कौशल्या जी और पंकज जी ने अपना सर अपने हथेली पर मार लिया जैसे कह रहे हो कि हे भगवान ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते हैं वही आन्या को हंसी आने लगी तो उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और हंसी छुपाने की कोशिश करने लगी तभी अर्नब उन दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है उसने अपने हाथ के इशारे से दोनों को शांत करते हुए कहा तुम दोनों अभी शुरू हो गए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी करवाना ठीक रहेगा मेरी शादी के लिए मान गया था लेकिन अब अर्नव की बात सुनते ही आजीविका और जीवन उसकी तरफ़ देखते हुए चिल्लाकर बोले नहीं नहीं हम दोनों नहीं लड़ेंगे लेकिन प्लीज हमारी शादी के लिए मना मत करना दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आकर खड़े हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और अर्नब से बोले हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उनकी ऐसी हरकत देखकर उसकी हंसी आ जाती है उसने जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों को देखना शुरू कर दिया वही अर्नब की हंसी देखकर आजीविका और जीवन उसकी तरफ देखने लगते हैं घर के बाकी मेंबर भी उन दोनों को देखकर हंस रहे थे अब दोनों ही झेप गए अर्नब ने हंसना बंद किया और फिर उन दोनों को देखते हुए बोला मैं मान गया कि तुम दोनों को तुम्हारे अलावा कोई नहीं संभाल सकता जीवन तुम्हें ये बला जिंदगी भर के लिए चाहिए या फिर सात जन्म के लिए तुम इसे रखो आजीविका और जीवन जैसे ही यह बात सुनते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं और बाकी सभी के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है उन दोनों को इस तरह खुश देखकर दोनों ने एक दूसरे को सभी के सामने गले से लगा लिया वही अर्नब उन दोनों को इस तरह देखा है लेकिन अगले ही पल खांसते हुए कहता है अभी से ही आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत नहीं है अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है पहले मेरी बात तो सुन लो अर्नव के इतने खाने की देर थी कि दोनों के चेहरे पर वापस मायूसी के बादल छा गए दोनों ने एक दूसरे की तरफ़ देखा और फिर अलग होते हुए अर्नव के चेहरे को देखने लगे अर्नब आजीविका को देखते हुए कहता है मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं अभी तुम्हारी शादी करवा दूंगा तुम दोनों को शादी के लिए कुछ साल इंतज़ार करना होगा कितने साल भाई लेकिन इंतजार क्यों आजीविका तुरंत बोल पड़ी उसे एक पल का भी सब्र नहीं था क्योंकि आजीविका को जीवन से जल्द से जल्द शादी करनी थी आखिर इतने दिनों बाद उसकी मुराद पूरी हुई थी और अर्णव शादी के लिए मान गया था लेकिन अर्नव की इस बात में उसे हैरान कर दिया था वही उसकी यह बात सुनते ही जीवन ने उसके कलाई को पकड़कर हल्का से दबा दिया तो आजीविका चुपचाप खड़ी हो गई अर्नब उसके चेहरे को देख रहा था उसने आजीविका को देखते हुए कहा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बहन पहले अपना सपना पूरा करे और फिर उसके बाद में शादी हो मतलब पहले तुम्हारा सपना फैशन डिजाइनिंग करने का है उसे पूरा करो अगर तुमने यह नहीं किया तो यह शादी नहीं होगी कॉलेज के अभी दो साल बाकी है तो दो साल तक तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती है आजीविका उदास होकर मुंह लटका लेती है लेकिन जीवन मुस्कुराते हुए कहता है अर्नब हमें कोई इतराज नहीं है तुम जब कहोगे हम तब शादी कर लेंगे आजीविका का उदास चेहरा देखकर कर अर्नब उसके बालों पर अपना हाथ सहलाते हुए बोला लेकिन मेरी प्यारी बच्ची तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरी प्यारी बहन हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी बहुत बहुत जरूरी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की अगले हफ्ते सगाई हो सगाई की बात सुनते ही आजीविका अपनी पलखे उठाकर अर्नव की तरफ देखती है अर्नव उसे देखकर अपना सिर हिला देता है आजीविका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है उसने अर्नब के सीने से अपना सर लगा लिया और उसके कस के गले से लिपट गई भाई आप बहुत बहुत अच्छे हो मुझे पता था आप अपनी बहन को इस तरीके से उदास नहीं देख सकते और ना उदास कर सकते हो आजीविका के इतना कहने पर अर्नव भी उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर किस कर लेता है उसने कहा अरे पगली तू ही तो मेरी इकलौती बहन है अगर मैं तुझे उदास कर दूंगा तो फिर मैं खुश कैसे रहूंगा तुम जानती हो ना अरुण सिंघानिया के लिए उसकी फैमिली सबसे पहले है हाओ भाई आजीविका अपनी गर्दन उठाकर अर्नव को देखते हुए बोलती है पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए पकिंज जी ने अर्नब से कहा बेटा तुमने ये डिसीजन तो अच्छा लिया है और हम सभी तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं। लेकिन इतनी जल्दी सगाई की तैयारी कैसे होगी एक हफ्ता सभी को इनविटेशन भेजना है घर का डेकोरेशन और भी बहुत काम होते हैं। सगाई और शादी बहुत बड़ी बात होती है तुमने तो अपनी सगाई इतनी जल्दी में की थी की हमें कुछ भी करने का मौका ही नहीं मिला अर्नब अपने डैड को देखते हुए बोलता है डैड आप बिना मुझे फिक्र करते हैं अभी मैं हूँ ना और जीवन सब संभाल लेगा वैसे भी इसकी सगाई है इसे काम करने दीजिए कौशल्या जी बोलती है हाँ हाँ तुम तो दूल्हे से ही काम करवाना चाहते हो कम से कम मेरे बेटे को अब सगाई पर तो छुट्टी दे दो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे दौड़ता रहता है जीवन मुस्कुराते हुए कहता है माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है आप भी जानते हो कि मुझे ऑफिस का काम करने में बहुत मज़ा आता है और सब मैं संभाल लूँगा कौशल्या जी उनको गुस्से से देखते हुए बोलती है हाँ मेरा एक बेटा तो काम के अंदर इतना डूबा हुआ है चलती फिरती मशीन लगता है लेकिन जीवन कम से कम तुम तो मेरी लाज रखो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू आन्या मेरे बेटे अर्नब के वक्त के लिए इतना इंतजार करती है वैसे ही तुम भी मेरी अज्जू को वक्त देने में कंजूसी करो मां आप कहें तो इन दोनों को ऑफिस ही ले जाएं घर पर रहकर भी क्या करेंगे ऑफिस में रहेंगे हमारी नज़रों के सामने रहेंगे और हमें देखती भी रहेगी अर्नव ने हंसते हुए कहा तो आन्या अर्नव को घूर घूर कर देखने लगी वहीं आजीविका को ऑफिस ले जाने की बात सुनकर जीवन ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा नहीं नहीं अब अज्जू को ऑफ़िस ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करेगी और फ़ैशन डिज़ाइनर बनने पर ध्यान देगी तुम्हें पता है ना ऑफ़िस आती है तो सबको परेशान कर देती है सभी उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और आजीविका को देखने लगते हैं वही आजीविका मुंह बिचकाकर जीवन को घूरने लगी